हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीजल पावर प्लांट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेजेज सबसे पहला जो है, डीजल पावर प्लांट जो है, इसका प्लांट लेआउट है वो बहुत सिंपल होता है। दूसरा जो है, डीजल पावर प्लांट जो है वो कम स्थान घेरता है। डीजल पावर प्लांट कम स्थान घेरता है। वह इसकी संरचना जो है जटिल होती है। कॉम्पैक्ट होता है ये, क्योंकि भाग जो है इसके अंदर वो काफी होने के कारण से जो संरचना जटिल रहती है। सबसे बड़ा जो फायदा है इसका, वो डीजल पावर को शीघ्र प्रारंभ किया जा सकता है। वह पीक लोड पर तुरंत ठीक है, डीजल पावर प्लांट जो है उसको आसानी से आरंभ किया जा सकता है और पीक लोड पे उसको तुरंत ले जा सकते हैं अपन। फिर जो है, डीजल पावर प्लांट जो है उसको लोड सेंटर के पास, लोड सेंटर के पास ही स्थापित किया जा सकता है। लोड सेंटर के पास ही इसको ले जा करके और स्टार्ट किया जा सकता है। फिर डीजल पावर प्लांट हेतु कूलिंग वाटर जो है की कूलिंग वाटर की कम आवश्यकता होती है। क्लोज्ड सिस्टम सर्किट लगा करके या क्लोज सिस्टम लगा करके कम पानी में भी इसको कूल किया जा सकता है, या जो कूलेंट आजकल आ रहे हैं उनको यूज करके भी इजीली कूल्ड इंजन को इजीली कूल्ड किया जा सकता है। स्टीम इंजन या स्टीम पावर प्लांट की तुलना में सेम साइज में थर्मल एफिशिएंसी अधिक होती है। समान साइज का है
तो डीजल पावर प्लांट की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो स्टीम पावर प्लांट की तुलना में अधिक होती है। डीजल पावर प्लांट हेतु सुपरविजन वर्क की जो है वो कम आवश्यकता होती है। डीजल पावर प्लांट को चलाने हेतु को संचालित करना सरल है एवं इस हेतु कम वर्कर्स की आवश्यकता होती है, कम लेबर या वर्कर की आवश्यकता होती है। दूसरा, ईंधन का जो हैंडलिंग है वो आसान है, डीजल है तो आसानी से इसको लाया जा सकता है। फ्यूल की हैंडलिंग व अन्य की तुलना में स्टोरेज हेतु कम जगह कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो हो गए इनके एडवांटेजेज। अब डिसएडवांटेज को देखते हैं। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, डीजल जो है वो कॉस्टली है, तो रनिंग कॉस्ट जो है वो इसकी ज्यादा हो जाएगी। डीजल महंगा होने के कारण कारण रनिंग कॉस्ट अधिक होगी। ठीक है, डीजल पावर प्लांट जो है वो स्टैंड बाय है तो ही स्टैंड बाय या पीक लोड हेतु काम में लिया जाता है। डीजल पावर प्लांट कम शक्ति उत्पादन उत्पादन हेतु काम में लिया जाता है। ये जो है डीजल पावर प्लांट को ज्यादातर 2 मेगावाट से 50 मेगावाट तक पावर प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको ज्यादातर जो इसकी जो महंगा होने के कारण से इसको स्टैंड बाय के रूप में काम में लेते हैं या पीक लोड है तो काम में लिया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो पार्ट्स ज्यादा होने के कारण से लुब्रिकेशन की लागत जो है अधिक आती है। चौथा, पार्ट्स ज्यादा होने के कारण से मेंटेनेंस की लागत भी ज्यादा होती है। मेंटेनेंस या अनुरक्षण
ये जो डीजल पावर प्लांट है वो नॉइज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये जो इसके हो गए डिसएडवांटेजेस। ओके, थैंक्स।